बाय बाय टाटा आजोबा टाटा. कुठे चालली तू आता? कुठे चालली? कुठे? आजीकडे. हा आई आजीकडे. Hey, good morning guys and welcome back to my channel which is V3 Dash. So it's today is 11th Jan. सुबह के 11 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरे घर, यानी कि मैं अभी ससुराल से जा रही हूँ मायके. हाँ, तो मैं और अकीरा हम दोनों जा रहे हैं मेरे घर पे. कल से सारी शादी की जो तैयारियां है वो शुरू हो जाएगी. तो कल है मुहूर्त का सामान जो बनेगा, यानी कि हल्दी के दिन के लिए हल्दी बनेगी. तो राइट नाउ मैं अभी जा रही हूँ अपने घर पे, थाने में जा रही हूँ. वहां से हम लोग निकलेंगे मेरे गांव के लिए जो कि है वाड़ा. एंड फिर वहां पे जाके बहुत ज्यादा फन होने वाला है, मतलब सारे कजिन सारे पूरी फैमिली इकट्ठा आने वाली है. एंड वी आर गोना हैव फन. मम्मा कुटी के लिए. ओह ये मम्मा है. अरे वाह. अंकल अंकल कुटे. अंकल आंटी. आंटी कुटे. आंटी घरी. ऑरेंज. ऑरेंज नो. डेट नो. पापा कौन? पपाया. पपाया पण नाहीये बाबू. आपल पण नाही. काय? पीच. पीच. अरे बाप रे, नाहीये. असू दे आता, आपण असेच जाऊ. ठीक आहे. गुड इवनिंग गाइज. अभी हम लोग जाएंगे मेरे कजिन के यहाँ पे, उनके साथ फिर हम लोग मिलके गाँव जाएंगे. बाबू शादी का जो भी तो वो तैयारियाँ होगी कल. सब लोग एकदम महाराष्ट्रियन अवतार में होंगे वहाँ पे, तो मजा आने वाला है. एंड यस, मेरा जो कजिन है जिसकी शादी के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो वो भी हमारे साथ गाड़ी में होगा, तो फुल ऑन धमाल आने वाला है. हम लोग पहुंच गए यहाँ पे. अभी उन लोगों का वेट कर रहे हैं, जानबूझ के ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि अगर ऊपर गए तो और लेट हो जाएगा. सो बेटर कि वी विल वेट डाउन स्टेयर्स और वो लोग आएंगे और हम लोग मिलेंगे, है ना? किसे मिलेंगे? कियारा. दिल्ले राजा आ गए. झाडी झाली बेनूस. आई येते का आम्ही बघ जरा. हो येते. तू काय सगळे लायसन्स बिसन ठरलेस की तू झाडी झाली? अम्मा व्हायला नको, तुझं लग्न आहे म्हटलं, तुझ्या तुला सूट नको व्हायला. मी बारीक झाले की नाही? पण मी काकी बारीक झाले नाही पहिल्या वर्षी. थोडा ए स्माइल करा कियारा. हाँ क्यों स्माइल? चला बाय बाय. क्यों स्माइल? स्माइल बाय. बाय बाय बाय. चलो चलो. तो फाइनली हम लोग निकल गए अभी गांव जाने के लिए क्योंकि दूल्हा लेट आया है. दूल्हा जरा हाय बोल देना. हाँ बोल देना. हाँ मैं लेट आ गया. कल से होगी शुरुआत हमारे, हाँ या मुहूर्त की. देन 18, 19 एंड 20, राइट? या फिर संगीत, हल्दी एंड रिसेप्शन.
आ जाना आप सभी आ जाना, फ्री में आ जाना, कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है ना, राइट? डाल दो हाँ सबको बोल दो, और पूरा खाना खा जाना। हम लोग पहुंचे अभी भिवंडी में और यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं वड़ा पाव। यहाँ पे जगह है एक शेलार और वहाँ पे एक वड़ा पाव मिलता है, नाम नहीं पता लेकिन बट इट्स रियली फेमस वड़ा पाव, तो वहाँ पे वड़ा पाव खाना इज मस्ट। तो हम लोग वहाँ पे रुके हैं, वड़ा पाव आएगा और आएगा मतलब लेने के लिए गए हैं और हम लोग खाएंगे एंड देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स माय होम टाउन। अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो तो ये वड़ा पाव खाना ही चाहिए। ये आ गया वड़ा पाव। पहले क्या खाना रहे, समोसा, दिस इज पत्री समोसा और ये पंजाबी समोसे की तरह नहीं होता है, दिस इज डिफरेंट एंड रियली रियली टेस्टी। बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसमें होते हैं मटर एंड प्याज, उसी की खाली सब्जी होती है, देन बाकी धनिया वगैरह एंड ऑल, इट्स टू गुड। बहुत ही कुरकुरा, ऊपर से कुरकुरा अंदर से एकदम टेस्टी टेस्टी। वाडाला पण नसो ना, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। वाव, पड़ा दे फक्त। वडा पाहिजे तर असा झणझणीत एकदम तिखा, अद्रक लसूण धनिया, वाव ऑसम। ये वड़ा पाव खाते समय ना इतना मजा आता है और यही वजह है कि मुझे थाना और मुंबई यहाँ पे वड़ा पाव खाना पसंद है। रेडी करूं दिला तर। और जैसे ही अपने गांव का रास्ता पकड़ लेते हैं ना हम लोग तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि मतलब भिवंडी कब जाएगा, शेलार कब आएगा और वहाँ पे हम वड़ा कब खाएंगे। गांव में भी जाने के बाद डेली सुबह का नाश्ता जो होता है ये वड़ा पाव ही होता है। हम लोग वाड़ा पहुंच चुके हैं एक्चुअली और हम लोग आए हैं मेरे मामा के घर पे और यहाँ पे मेरी कजिन है, मेरी मामा की लड़की है जो बोली है सासुरु। तो मतलब यहाँ पे जो लोग है ना वो कोऑपरेटिव है नहीं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान मत जो खुद एक्चुअली देखते हैं वीडियोस लेकिन ऐसे हाँ हो गई शुरू ऐसे करते तो इनकी तरफ ऐसे ध्यान नहीं देना है। और ये रहे शैतान बच्चे जो खेल रहे हैं। आता कशी उठवायची तुला? क्या बन रहा है यहाँ पे? हाँ इन्विटेशन पे नाम लिखे जा रहे हैं। ओ क्या बात है, दोगी टीचर वाटत है ना? टीचर चित्रा टीचर जरा यहाँ पे देखिए। हाय और ज्योति टीचर, ये कौन है? हेडमास्टर? हाँ हेडमास्टर, घर की होम मिनिस्टर।
रात का 1 बज रहा है अभी इस वक्त और हम लोग थोड़ी तैयारियां कर रहे हैं, जैसे फूलों की माला बनाई जा चुकी है जो कल होने वाला है उसके लिए ये सब कुछ सजाया हुआ है। कल हम प्रॉपर्टी यहाँ पे हॉल में इसे रखेंगे एंड पूरा घर को इस रूम को सजाएंगे। तो मुहूर्त का जो सामान है उसकी तैयारियाँ होगी और वो फंक्शन पूरा सेलिब्रेट होगा। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।